हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे ब्रांड न्यू ब्लॉग में। धीरू आ चुका है फिर से आपके पास ब्रांड न्यू ब्लॉग लेकर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम फिर से ब्रांड न्यू ब्लॉग लेकर आपके पास। तो दोस्तों आज है चैत माह का पहला दिन, यानी कि आज है फूलदेही का त्यौहार। और चैत माह के पहले दिन ही फूलदेही का त्यौहार मनाया जाता है, और आज वो दिन आ चुका है। आज हम रहेंगे फूलदेही का त्यौहार, तो बने रहिए इस ब्लॉग में और शुरू करते हैं इस फूलदेही के त्यौहार को आपके साथ। तो सामने का मौसम दिखाते हैं, कल बारिश हुई थी भयंकर वाली, तो मौसम साफ हो चुका है एकदम बढ़िया वाला। नीचे धूप और बादल और नीचे हरियाली है ना, दिख रही है आपको। और ऊपर मौसम साफ एकदम, और एकदम रंगीन छटाएँ छा चुकी है पहाड़ों में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप फूल, और ये फूल हम चलाएंगे सबकी घरों के दहेली में, और जिस जो हम उसके बाद देंगे भेंट के रूप में चावल और कुछ। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक फूल की कमी है, पिहोली की, जो बहुत सुंदरता लाते थे, पर पिहोली का फूल इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि कल हो गई भयंकर बारिश, ओलावृष्टि, ओले पड़ गए, तो उसकी वजह से पिहोली के फूल सब झड़ गए तो मिले नहीं। तो इसीलिए याले फूल आपको और फूल आपको दिख रहे हैं, पर पिहोली के फूल आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि कल वो सब झड़ चुके हैं। फिर भी हम दिखाएंगे आपको, फिर भी हम अगर हमें दिखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे जरूर। और अभी ले चलते हैं अपनी फूलदेही का त्यौहार बनाने, गांव में सफ़र करते हैं और आपको भी ले चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं यह सफ़र, है ना जी। तो चलिए जी सारू मफूली गे होली फ्योली लैण मैं घर छोड़ा वा। फूल ले लग बोल, फूल ले लग बोल, इसको नीचे दे बोल, एक मिनट एक मिनट बोल, फूल जाकर दे जाकर, फूल ले लग बोल, फूल ले लग, चलो नीचे ऐसे घर को खुश जा, फूल ले लग बोल, बोल फूल 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 दे पहला दे दे बोल दे पहला लग हाँ फूल दे पहला बोला बोल हाँ। एजी घर बोन बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ा ए जी सारू फूली गे होली चला फूलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरला भौरों का जूठा सारू मफूली गे
छोड़ो। आ चुके हैं हम सबसे भेंट घाट करके पूरे गांव से, और इस बार थोड़ा उत्साह में कमी थी क्योंकि आधे बच्चों का स्कूल है, पेपर चल रहे हैं, तो अभी पेपर दे रहे हैं और वो अभी पेपर ही दे रहे हैं, तो आधे बच्चे नहीं आ पाए उत्साह में अपने। तो आज सयान में बने हमारे यहाँ पराठे और खज जो चावल से बने होते हैं। ये सयान जा रही है हमारे पितरों और गांवों के लिए, और यहाँ आज की विशेष पकवान यह है खज चावल से बनी हुई मीठे के रूप में, जो चावल मांग के लाया है, जो चावल मांग के लाया है उससे बनती है खज की मिठाई। मिठाई तो नहीं है पर मिठाई के रूप में ये यूज की जाती है, खाई जाती है। हल्दी और गुड़ डाला गया है, हल्दी और गुड़ के साथ चावल पकाए गए हैं और तील भी डाले गए हैं, तो इससे बन के ये मीठा में स्वादिष्ट बनी रहती है खच। और आपने भी खाए होंगे, आइए खाइए हमारे साथ खच और चावल को भिगा के बनाए जाते हैं आज के पकवान।